आयुष्मान भव अभियान का शुभ आरंभ पूरे देश में 13 सितंबर से हुआ है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आयुष्मान भव के जिला स्तरीय अभियान के शुभारम्भ पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि इस अभियान के 3 मुख्य घटक होंगे, जिसमें पहला घटक आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा आयुष्मान स्वास्थ्य मेला तथा तीसरा आयुष्मान सभा प्रमुख भाग होंगे। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल पे ऑनरेबल गवर्नर हिमाचल प्रदेश ने 13 सितंबर को किया था, जिसमें इस स्कीम का जो फॉर्मल लॉन्च था वो हुआ था। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0 जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो आयुष्मान भारत के आयुष्मान भारत वाले कार्ड्स हैं, तो उनके क्रिएशन और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस लेवल पंचायत लेवल पे जनरेट होना है, और ये जो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू भी, और एजेंसीज, अलग अलग वॉलंटियर्स, सोशल वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और डोर टू डोर EKYC और कार्ड डिलीवरी का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसमें हमारे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस है, इनके जो लोकल लेवल के फंक्शनरीज हैं इन सब की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जिसमें कि लोकल लेवल के जो फंक्शनरीज हैं, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आपके ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग जो मेंबर्स हैं, वो प्रधान वार्ड मेंबर्स, इनका एक्टिव इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मेला करने का भी वीकली बेसिस पे प्रावधान है, जिस जो कि हेल्थ सब सेंटर लेवल पे और हेल्थ वेलनेस सेंटर लेवल पे करवाए जाएंगे। तो इसकी ये डेट्स स्टेट लेवल पे ही फिक्स हुई है। ये जो फिक्स डेट इसकी हैं 23rd, 30th September और 7 और 14 अक्टूबर, और मंडे टू फ्राइडे जो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, जिसमें अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। बट एक महीने में थोड़ा सा इन्होंने मिशन मोड पे ये करना है, जिसमें अवेयरनेस जनरेशन, सेंसिटाइजेशन और जो मतलब फैसिलिटीज़ लोकल लेवल पे अवेलेबल हैं, आम जनता को अवेयर करना है कि ये आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो काइंडली आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं।